हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऋषियांचल ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, खुश खैरियत है। तो आज मौसम थोड़ा थोड़ा खुल चुका है, बट थोड़ा बादल भी है और ठंडी कुछ ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा जुकाम भी लग रहा है। तो आज है एक स्पेशल डे, वो स्पेशल डे है आज आंचल का बर्थडे। तो आज है आंचल का बर्थडे, हम कर रहे हैं आंचल का बर्थडे सेलिब्रेट, बट आंचल को बिना बताए, क्योंकि आंचल को बोल दिया मैंने कि हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि मौसम भी ख़राब है और कोई केक वेक लाने कौन जाएगा संजौली। बट फिर भी मैं किसी ना किसी बहाने से खिसक ही जाऊँगा बैंक के काम से या फिर किसी और काम से संजौली की तरफ। तो लाते आंचल के लिए केक, कुछ छोटे मोटे सरप्राइजेज और गिफ्ट भी लेनी है। तो चलो मिलाते हैं आंचल से, क्या कर रही है और कैसी एक्साइटेड है आज वो अपने बर्थडे के लिए। पर ऐसे ही है क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, मैंने बोला कुछ 2-4 दिन में देखते हैं फिर करेंगे सेलिब्रेट, थोड़ा आरवी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी फिर करेंगे सेलिब्रेट। तो वो थोड़ी ढीली ढीली सी है, बट चलो देखते हैं है कैसी है। और अर्शिव को भी दिखाता हूँ अर्शिव क्या शरारतें कर रहा है। तो सबसे पहले तो अर्शिव को देखो जी, बड़ी ईमानदारी से ये देख रहा है कार्टून, कम से कम कुछ कुछ तो आराम से कर रहा है। वरना ये देखो सुबह उठते ही ना पहले तो इसने ये आतंकवाद बनाया, और आज सुबह बंदा 5 बजे का उठा हुआ है। पता नहीं आज इसको क्या ही सुबह 5 बजे उठने की। अच्छे कुछ बोलना चाहेंगे आप? यहाँ कैमरे में दिख रहे हो आप, लोगों कुछ बोलना चाहोगे? अच्छा ही क्या कर, बोला ना मैं कर कुछ। तो चलो अब दिखाता हूँ आंचल को आंचल क्या कर रही है। हेलो आंचल, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद जी। तीसरी बार बोल रहा हूँ वैसे मैं, कल से लेकर के मतलब रात के 12 बजे से लेकर रात को तो बुलाई नहीं आपने, मार मार के उठाया 12 बजे, फिर बोला, फिर बंदी ने थैंक यू भी नहीं बोला, छोड़ दो मेरे को, और घुस गई रजाई में। वो चलो कोई नहीं, मरान दे, मैं तो अपनी तरफ से बोल दिया। तो ऐसे थोड़ी नहीं करते, स्पेशल होना चाहिए, एन उठा के ले जाते मेरे को, सरप्राइज करते, कुछ केक कूक लाते, ऐसे थोड़ी नहीं होता। सुखा सुखा बर्थडे को सुखा सुखा आज चलो बच्चों के लिए करते हैं, ऐसे ऐसे बुढ़ापे में तो ऐसे ही होता है। तेरे को कहाँ से उठाता, 70 किलो मैंने उठाना था है तुम्हारी, और क्या मैं उठा के ले जाने लगता तेरे को। हाँ तो वो तो मैं कर रहा हूँ ना, देख सुंदर लग रही है आज, कितनी अच्छी लग रही है मेरा जैकेट पहन के। तो फिर क्या है आज का प्रोग्राम, बर्थडे का दिन? हाँ, स्पेशल स्पेशल खाना आपके लिए बना रही हूँ मैं, और बर्थडे है मेरा। देख आंचल ऐसा होता ना, इंसान ना अब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहा है, तेरी जिंदगी से तेरी जिंदगी से ना 1 साल कम हो रहा है तो तेरे को सेलिब्रेट करना है। वो ऐसी चीज सेलिब्रेट नहीं करते, अब दुख मनाना चाहिए। 40 साल के होने वाले, पूरे कहीं भी नहीं होने वाला 40 साल का, झूठ बोल रही है। अभी 38 साल का होने वाला मैं, आपको वो दिखाऊं मैं? क्या लिया लिया लिया, झूठ झूठ बोलती है, इसकी बातों पे विश्वास, हाँ इसकी 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 बातों पे विश्वास नहीं करना, ये झूठ झूठ बोलती है। नहीं झूठ नहीं बोलती। तो कैसे कैसे बना रही है आंचल? ऐसे बना रही हूँ, गोभी के परांठे आपके लिए बना रही हूँ। थैंक यू। और बाकी क्या, बाकी ऐसी ऐसी मेरी सेवा करती रहे, ऐसी मेरी टेस्टी खाना बनाती रहे, और क्या। अब नहीं बनाऊंगी, अब आपने मुझे आंटी बोला ना आज की, तू आंटी बन गई। मैंने कब बोला? अब नहीं बनाऊंगी। मैंने कब बोला कि तू आंटी बनी? ये झूठी झूठी बात है। अभी लास्ट टाइम था, आज के बाद नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, इसलिए बूढ़े आदमी की सेवा करनी चाहिए। आप मेरी सेवा करोगे? अच्छा चल बना जल्दी जल्दी, भूख लग रही है। तो जी मैं निकल चुका हूँ घर से, और देखो जैसे मैंने बोला ना कि मेरे साथ बारिश ऐसे लिखी हुई है, घर से निकला नहीं और बारिश शुरू हो गई है। तो चलते संजौली की तरफ, आंचल के पास बहाना बना के आ गया हूँ कि मेरा बैंक पे भी काम है और थोड़ा पेपर वर्क भी कराना है संजौली में, वहाँ भी जाना है। तो चुपचाप से निकल गया हूँ, तो करते हैं प्लानिंग, लेते हैं सामान पार्टी का, तो देते हैं आरवी को, सॉरी आंचल को बढ़िया सी ट्रीट। चलो चलते हैं। ये देखो जी चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है, इधर को देखो चाहे इधर को देखो, तो जहाँ पर आपके 10 मिनट लगने सफ़र के लिए, वहाँ पे कम से कम 1 घंटा लग जाना पूरा। अब देखते हैं बसेस लगी हुई तो है, कितनी देर में निकलती है। मुझे मिल गई थी टनल तक के लिए लिफ्ट, मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त मिट्री टनल, तो यहाँ से जाते हैं पहले पहले
छोटा मोटा स्नैक्स का पता करते हैं यहाँ से, और मेरा सच में एक काम भी है PNB में, वो भी निपटा के आ जाता हूँ यहाँ से। पहुँच चुका हूँ PNB संजौली, साथ ही है यहाँ पे हंगर्स, कुछ हंगर्स में भी ऑर्डर करते हैं पार्टी के लिए, और PNB का काम भी निपटाते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। चलते हैं पहले PNB फिर आते हैं हंगर्स की तरफ। तो जी PNB का काम निपटा के और हंगर्स से कुछ एक स्नैक्स बुक करके अब चलते हैं केक की तलाश में, देखते हैं कहाँ ज़्यादा अच्छा केक तैयार है, क्योंकि प्री ऑर्डर मैंने कर नहीं रखा था, जो तैयार होगा वही ले आऊँगा अच्छे वाला। तो चलो चलते हैं केक ढूंढते हैं। तो जी यहाँ पर है दो तीन बेकर्स, एक बेकर के पास मैं जाके आ गया, वहाँ पर मेरे को पसंद नहीं आया। अब है आशियाना और तृप्ति, पहले जाते हैं आशियाना में, फिर देखते तृप्ति में, जहाँ जहाँ बेटर होगा वहाँ से उठा लेंगे। तो ये रहा सामने आशियाना, पहले जाते हैं आशियाना में, देखते हैं यहाँ पर किस तरह के क्या क्या कैसे कैसे केक्स हैं। तो आशियाना में मैंने देख लिए केक और प्राइसेस नोट कर दिए, कंपेयर करता हूँ तृप्ति से, अगर तृप्ति में वैसे ही फ्लेवर मिले और अच्छे प्राइस में मिले तो तृप्ति से ले लेंगे। और चुका हूँ तृप्ति, अब देखते हैं यहाँ पर भी कैसा कैसे है फ्लेवर, क्या क्या है, करते हैं फाइनल। देखो जी केक ले लिया मैंने आशियाना से, तो अब जाते हैं बाकी जो छोटा मोटा और सामान है वो भी कलेक्ट कर लेते हैं, और देख लेते हैं जिसे आंचल के लिए। इतना सारा सामान कलेक्ट करके अपना छोटा मोटा जितना भी है आंचल के लिए जो जो ले सकते थे ले लिया, अब मिलते हैं चलते हैं घर की तरफ। एक कुरियर भी आया है, वो कुरियर भी कलेक्ट करना है, तो चलते हैं आराम आराम से, जहाँ बस मिलेगी बस ले लेंगे, वरना आराम आराम से पहुँच जाएंगे घर तक, 10 मिनट तो कुल लगते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ घर के पास और बहुत सारा सामान है, तो देखो क्या क्या लाया हुआ है। ये देखो केक, ये पिज़्ज़ा और स्नैक्स, और ये है आंचल के लिए गिफ्ट, एक गिफ्ट है पॉकेट में छुपाया हुआ। तो अब ये सब कुछ लेकर के चलता हूँ घर को। अर्शिव तो सो गया होगा, आरवी भी आने वाली है, तो देखता हूँ आंचल आती है आरवी के लिए या मैं आता हूँ, दोनों में से कौन आता है आरवी के लिए, एक को तो आना ही पड़ेगा आरवी को लेने बेचारी को। तो चलता हूँ। ये देखो जी भाई साहब भी जाग गए, और कैसी रही फिर नीनी और आंचल आंटी यहाँ पे, सॉरी आंचल यहाँ पे। नहीं मैं वो मुंह से निकल गया ना फ्लो में, मैं बोलना नहीं चाह रहा था ना, वो ऐसे ही निकल गया। ये ना तीसरी बार है जब मैं सुबह से कपड़े बाहर लगा रही हूँ, तो परेशान हो गई हूँ। तो आंचल मैं भी तो तेरे लिए इतनी मेहनत करके आया, तू भी कर थोड़ी मेहनत। आपने क्या मेहनत की? तेरे लिए इतनी सारी चीज इकट्ठी करके लाया हूँ मैं। अब वो अभी मैं बताता नहीं ना, वो बाद में बताऊंगा जब पार्टी होगी। तो यार आप शिमला के मौसम का कोई अनुमान नहीं लगा सकते, सुबह से ये 3 बार ऐसी धूप निकल चुकी है, और अभी भी देखो यहाँ से काला बादल आ गया है, और ये कभी भी बारिश आ सकती है, और अपनी निकालूंगी मैं कपड़े, चाहिए ठीक है चाहे जो मर्जी हो। तू इतनी तू इतना हिम्मत रख सकती है? हाँ अपनी निकालूंगी मैं, अपने 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 कपड़े निकालूंगी, अपने निकालूंगी। मेरे तो कपड़े कितने, दो तो कपड़े बेचारे मेरे, ये चाहे रख चाहे निकाल, बाकी तो तेरे ही है सारे, दो सूट तेरे है, दो सूट आरवी के, खैर अर्शिव के तो करोड़ों में कितने कम से कम 10 तो 95 ही होने अर्शिव के। मैं ही चाहता हूँ क्या करना, तो अब तो 3:30 हो गया, तो आने वाली है, अब क्यों मानने में आ रही है? नहीं मैं जा रहा हूँ। तो आरवी कहाँ कहाँ गई आज, कहाँ कहाँ घुमाया स्कूल वालों ने आपको? अच्छी जगह थी। नेचर वॉक? तो क्या क्या हुआ नेचर वॉक में, क्या क्या देखा? बहुत सारी चीजें, मैं आपने बोला पूरा पर ब्रांच जो हमारे बाहर वाले बोर्ड में चिपकाएगा। अच्छा मतलब वहाँ चिपकाया जाएगा जो सारा लिखा हुआ कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहा नीचे वॉक का, ऐसा? अच्छा तो दिखा क्या क्या आपको वहाँ पे, क्या क्या था? बहुत सारे हाँ, और बहुत सारी चीजें जैसे trees, अच्छा जंगली घास, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा नेचर वॉक में क्या बोल रहे थे वो ग्रैंडफादर? ग्रैंडफादर जस्ट बहुत पुराने पुराने हाथी होते हैं। हाँ वो मेरी स्टोरी में भी है। भूतिया घर नहीं तो ग्रैंडफादर का। अच्छा तीन चीज वहाँ पे, अच्छा अच्छा तो ये देखो जी हल्की फुल्की मेरी प्रेपरेशन हो चुकी है कंप्लीट, तो मैंने अच्छे से सजा दिया है, ये है
दो दो केक। तो एक केक तो मैंने लाया है, ये चॉकलेट वाला, और ये जो दूसरा वाला केक है ये आंचल के भाई भाभी ने ऑर्डर करा रखा है, उन्होंने स्पेशल आंचल के लिए बर्थडे के लिए चंडीगढ़ से, तो ये अभी अभी पहुंचा है। और हम भी सरप्राइज हो गए जब कॉल आई कि भैया आपका केक आया हुआ है। बोले केक आया, किसने किया ऑर्डर, कहाँ से क्या ऑर्डर, उन्होंने बताया नहीं था, तो उन्होंने सरप्राइज ही दिया है। तो अभी अभी मैं लेकर आया हूँ, तो अब तैयारी है केक कटिंग की, बुला देता हूँ मैं सबको, करते हैं केक और करते हैं सेलिब्रेट आंचल का बर्थडे। आ गई है केक कटिंग की बारी। बर्थडे, हाँ गर्ल, वो जीभ अटक जाती है ना बीच देखो, में। आरवी आरवी जो ने मेरे लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो केक के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये कैसे कैसे आए हैं। तो अब अच्छी तो पहली ताक में, अब जैसे तो काटे क्या तो करूं, देख रहा है बड़े ध्यान से। तो चलो करो पूजा में, तो मैं पहले के इसको रखता हूँ कैंडल को पूजा के पास। हे भगवान जी, मेरी घरवाली को सद्बुद्धि देना, 100 साल की उम्र देना, नहीं, 100 साल ही जीना वाले, तब 80 साल जीना वाले। देख ले बे, अभी भी सोच ले, अभी मांग रहा हूं मैं, ठीक ठीक लग जाएगा। ओ कभी भी चल ठीक है, तो करो जी अब तैयारी केक काटने की। आओ अजीब, आ जाओ आरवी, यहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू करते, एक पकड़ो पकड़ो, आप भी पकड़ो, हैप्पी बर्थडे भी बोल दो मम्मा को। हैप्पी बर्थडे टू यू, इसमें दिखाता हूँ, काट ले अच्छी। ये लो पकड़ो, हाँ आप पीछे का तो। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. अब आरुषि मामी वाला केक काट। हाँ। थैंक यू आरुषि फॉर दिस लवली केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, सरप्राइज आपने। थैंक यू आशवी, आरुषि केक विद सरप्राइज। हम तो परेशान हो गए, कहाँ से किसने वाली अरेंज किया केक, कहाँ से आया। वाह, आरुषि का केक खाया इसने, मेरा वाला केक नहीं खाया। तो मैं भी खिलाता हूँ आंचल को। अच्छा अच्छा अब ऑल ऑल काटते, ऑल काटते आंचल। हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं मुंह में नहीं लगाने हैं। हाँ तो मुंह में कब लगा रहा हूँ, मैं तो यूं खिला रहा हूँ। अब बुझाती हूँ कैंडल का। अच्छे से लगाना पड़ता है ये, अब जब लग गया ना, नहीं तो बर्थडे का तब, या तो बर्थडे आंटी होती है या बर्थडे गर्ल होती है। फिर ये देखो जी, ये है जी, अब बर्थडे गर्ल बनी। अब देखती बर्थडे आंटी, अब करते हैं पेट पूजा, जो मैंने सामान ले आ रखा है। आरवी तो सबसे पहले पिज्जा के साथ, आरवी को नहीं है मतलब कोई केक कुक से, इसको चाहिए पिज्जा, इतने टाइम बाद मिल रहा है पिज्जा। टेस्टी केक है दोनों। चॉकलेट चॉकलेट, इसमें भी चॉकलेट है अंदर ही। हाँ जो कितनी चॉकलेट खाएगी तेरी कैलोरीज कितनी बढ़ जाएगी, तू तो 70-75 kg हो जाएगी। अच्छा एक दिन में अच्छी बढ़ेगी 12-15 किलो। हाँ तो इतना चॉकलेट खा के, तो कितने सारे केक है ये खा खा के बढ़ी नहीं। हाँ जी शर्म कर, सबके अकेले तूने जोर दे रखा हुआ खाने में, बाकी लोग भी है यहाँ पे। तो तुम्हारे को भी दे रही हूँ, चलो आधा आधा तूने खा लिया, ये देख एक साइड से खाली कर दिया तूने खा खा के। अरे वाह, ये रही मेरी फेवरेट चॉकलेट। तो मेरा बस ये गिफ्ट होती है, चलो कोई नहीं, हाँ गिफ्ट गिफ्ट होती है। हाँ, ऐसे लालच नहीं रखते, चल फिर ये वाला रख ले, चल तू ये रख ले फिर। इसमें क्या है, है कुछ तेरे ही काम का है। चूज करो मम्मी, चूज खुलता किधर से ये भाई।
ये भाई ये लगी हुई है टेप, यहाँ से टेप कटेगी फिर खुलेगा। क्या हो सकता है बीच में? मेरे को नहीं पता, कुछ तो आइडिया देना यार। मेरे को इतना पता है वो लकड़ी के चाकू से टेप कट गई। नहीं है, है, चल बीच में होगा कुछ। मुझे पता है कुछ मेकअप का। वोए, कौन ले? ये क्या मंगाया, क्या आया क्या? रिशु ये क्या? वो मंगाया क्या आया क्या ये? रख 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 रख, यहीं रख यहीं रख। ये तो बहुत बढ़िया वीडियो बन गई, यहाँ पे हमारे पास प्रूफ आ गया। रख दे रख दे इस पे। मंगाया क्या था, आया क्या ये? ओले, है क्या ये? मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये तो पॉपर्ट हो गया। क्या मंगाया था? मैंने तो गैम्बल वो मंगाया था, क्या बोलते के वो था ट्राइपॉड विद क्या बोलते वो सेल्फी स्टिक। ठीक है, इनको ठीक लगा कि अच्छा सेल्फी स्टिक कपड़े यूज के लिए मंगा रहा है और ये क्रीम। नहीं नहीं, ये तो मैं रिटर्न करूंगा, ये क्या भेजा है इन्होंने। हाँ ये तो अच्छा हुआ जो ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, एक एक चीज ये सामने सामने खुला है ये डब्बा। हाँ ऐसा भी होता है इसमें। हाँ ये तो ठीक है, मैं मार्केट से ये ले आया, ये ऑनलाइन नहीं मंगाया मैंने तेरे लिए। अच्छा वाह, कहाँ से खरीद के लाए रिशु आप ये? ये मैं स्पेशल ले गया, ये भी चाकू से काटना पड़ता है। नहीं ये स्टिकर लगा है, टेप लगी है। कब कब किया आपने ये इंतजाम? मेरे कानों कान खबर नहीं हुई मुझे। मम्मा इसे कहते हैं जैसे मैं आपका मिना कानो कान फोन देखती हूँ। अरे भाई निकल जा। तेरे से एक वॉच नहीं निकाली जा रही आंचल? नहीं, तो ये है स्मार्ट वॉच। और मुझे यही कलर चाहिए था, मैं 8-10 दिन पहले बोल रही थी रिशु को मुझे ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर की स्मार्ट वॉच चाहिए। तो आ गई तेरे लिए ग्रीन कलर की स्मार्ट वॉच। पर यार मैं तो इसके लिए हैरान हूँ, ये क्या किया इन्होंने। और मैंने ना बाई वॉच वो मंगाई थी, ट्राईपॉड विद सेल्फी स्टिक, नहीं चली हुई आजकल की हमारे, उसके काम भी आ जाएगी शूटिंग के काम। और ये क्या भेजा इन्होंने? ये तो मैं यूज भी नहीं करती यार। हाँ ये वापस जाएगा। हमारी पार्टी में पड़ चुकी है खलल, एकदम से आ गई है बारिश और फटाफट से हमारे को निकालने पड़े ये कपड़े जो बाहर लगा रखे थे। ये देखो जी यहाँ पे दोबारा से ढेर लग गया कपड़ों का, कुछ यहाँ है कुछ अंदर है। अब हाँ चल ये देखो और आ गई बारिश। मैं तो परेशान हो गई, चौथी बार है ये यार, क्या है? अब नहीं लगाऊंगी मैं इन कपड़ों को। अब कब खुल गई आंचल, अब तो 6 बजने वाले हैं, हाँ तो ऐसे भी धूप छुपने वाली है। तो आंचल हो गया गरम? यस, तो रिशु ने आज मटेरियल लाया है मेरा फेवरेट सब कुछ, इसमें रा पिज्जा, इसमें है मंचूरियन और ये केक भी थोड़ा सा गर्म करते इसमें माइक्रोवेव में है। इसको ना नहीं वैसे माइक्रोवेव मत करिए इसको ना, इसको ग्रिल कर। ग्रिल से मतलब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ये, नहीं माइक्रोवेव से एकदम पिघल जाएगा आंचल ये। तो ये 10 सेकंड के लिए रखना पड़ता है सिर्फ। हाँ तो तब 10 सेकंड के लिए रख। ये लो आप भी खाओ। अब पार्टी इंजॉय आराम से, क्योंकि सब कुछ सेटल हो गया, कपड़े कपड़े सब अंदर आ गए। अब आराम से बैठ के खाते हैं क्योंकि पेट में दौड़ रहे हैं चूहे। लंच भी नहीं किया इस चक्कर में कि आज खाना है पिज्ज़ा और मंचूरियन, तो मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लाया। फिर शाम को ना खाना नहीं खाया जाता है और ये ना ख़राब कर देती है ये चीज़, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, जंक फूड्स ये ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए शाम को खाना खाना जरूरी है, इसलिए हल्का फुल्का ही लाया मैं पिज्जा और ये मंचूरियन। तो चलो करते हैं एंजॉय। तो जी दिन खत्म, बर्थडे वाला स्पेशल ट्रीटमेंट खत्म, अब वापस वही काम वही धाम। तो हम हो चुके हैं खाना वाना खा के फ्री और अब करते हैं सोने की तैयारी। तो आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। एक मिनट एक बात तो बता दूं, वो आधा केक तो आंचल ने अकेले ही खा लिया, हमारे लिए तो इतना सा रखा हुआ है, अकेले खाती गई, थोड़ा सा ही रखा है। देख लो चाहे अभी इसको बोलो दिखा केक काम पे, वो तो आधा इसी ने खा लिया।
बांटते है खुद ही तो ना कहता जिसका बर्थडे था तूने तो आशीर्वाद अब लो लाइट नहीं चलती है इसमें नहीं लाइट खराब हो गई लाइट मैम बाय बाय बोल दो आप टेक केयर सी यू गुड नाइट क्या बोलना चाह रहा है ये लाइट नहीं आई डाइट क्या आई डाइट समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो तो ठीक है जी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में तब तक के लिए खुश रहिए हंसते रहिए हंसाते रहिए बाय बाय।